हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज वाया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े डैम यानी कि बांध के बारे में बताएंगे। ये बांध इतना विशाल है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की स्पीड तक कम हो गई है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, दुनिया में अब तक बहुत सारे बांध बनाए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ बांध बहुत बड़े तो कुछ बहुत ही लंबे हैं। दोस्तों, बांध बनाने के कई फायदे होते हैं, चाहे बाढ़ को रोकना हो या फिर बिजली पैदा करनी हो। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। बिजली पैदा करने के साथ साथ ये बांध नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े बांध को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको बनाने में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 18 साल लग गए थे। ये बांध इतना विशाल है कि इसकी वजह से धरती के घूमने की स्पीड तक कम हो गई है और तो और इसकी वजह से दिन भी कुछ बड़े हो गए हैं। दोस्तों, इस बांध से हर साल इतनी बिजली पैदा होती है जिससे एक साथ कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इस विशालकाय बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई थी। आइए आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में। दोस्तों, हम जिस बांध की बात कर रहे हैं उसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम। ये बांध हमारे पड़ोसी देश चीन ने बनाया है। इस बांध की कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर है, जो दुनिया के किसी भी बांध की तुलना में सबसे अधिक है। 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध वो बांध होता है जिसमें पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। ये बांध चीन के हुबेई टाउन में यांगजी नदी पर बना हुआ है। आपको बता दें कि नील और अमेजोन नदी के बाद यांगजी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई थी और इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा था। इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और यह 2012 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में काफी समय लगा था। इस बांध का जलाशय इतना बड़ा है कि 632 वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बांध के जलाशय में 4200 करोड़ टन पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। पानी के इतने बड़े भारी जलाशय की वजह से धरती के घूमने की स्पीड भी धीमी पड़ गई है। धरती के घूमने की स्पीड धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रोसेकंड्स बढ़ गया है, यानी अब दिन थोड़ा सा लंबा हो गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बांध के बनने से पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि अन्य दो ध्रुवों यानी पूर्वी और पश्चिमी ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ध्रुव खिसकने की वजह से ही धरती के घूमने की स्पीड कम हो गई और दिन भी बड़े हो गए। इस बांध से हुए नुकसान को देखकर अब वैज्ञानिक भी हैरान है। ये बांध इतना विशाल है कि इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ा है। दोस्तों, थ्री गोर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। ये स्टील इतना ज्यादा है कि इससे कई एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। चीन का ये बांध अमेरिका के ग्रेट हूवर डैम से 11 गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें 22,400 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, यानी बिजली के उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। ये बांध अपने 32 टरबाइन की मदद से इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे एक साथ कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इस बांध के बनने से चीन को बिजली बनाने के लिए लगने वाले 31 मिलियन टन कोयले की बचत हुई है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई है। दोस्तों, वैसे तो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम और बिजली पैदा करना था, लेकिन इस विशाल बांध को बनाने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। इसके बनने से आसपास के क्षेत्र में लैंडस्लाइड और भूकंप का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये एरिया भूकंप के संवेदनशील जोन में आता है। इतना ही नहीं, थ्री गोर्जेस डैम के बनने के बाद करीब 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। भारत में जिस प्रकार टिहरी बांध बनने से बहुत सारे लोगों को विस्थापित करना पड़ा था, उसी प्रकार थ्री गोर्जेस बांध बनने से भी कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा।
इस बांध के बनने से अभी तक 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से अधिक गांव बांध के जलाशय में समा चुके हैं। वहीं इस बांध के बन जाने से 300 से ज्यादा मछली की प्रजातियां और कई जीव जंतुओं का आवागमन बाधित हो गया है, जिससे उनका विकास और अस्तित्व संकट में पड़ गया है। थ्री गोर्जेस डैम के विशाल जलकुंड का पानी भरने से कई जंगल, खेतों की जमीन और मिट्टी के मैदान पानी में डूब गए। इससे मिट्टी की सतह का कटाव होगा और ये मिट्टी जलाशय के नीचे जमा होने लगेगी। इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ेगी और आसपास के खेतों के जमीन की फर्टिलिटी कम होगी। वैसे तो ये बांध काफी बड़े भूकंप को झेल सकता है, लेकिन अगर कभी ये बांध टूट गया तो करीब 3.6 करोड़ लोग इसकी विशाल लहरों की चपेट में आ जाएंगे। आने वाले समय में थ्री गोर्जेस डैम भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। तिब्बत से निकलने के बाद यारलुंग संगपो नदी अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। भारत को आशंका है कि इस बांध के बन जाने से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर जाएगा और पानी में नमक का स्तर बढ़ जाएगा। इतना विशाल बांध नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को रोक सकता है, जिससे भारत के अरुणाचल और असम राज्यों के कृषि क्षेत्रों पर नेगेटिव असर पड़ेगा। और अगर चीन मानसून के सीजन में इस बांध से पानी छोड़ देगा तो यह असम राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है। चाइना के इस बांध से निकले 4500 करोड़ टन पानी को छोटे बांधों, सुरंगों, नहरों और पंपिंग स्टेशन की मदद से 1600 किलोमीटर अपस्ट्रीम के क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, जहां पानी की जरूरत होती है। सन 2015 से इस बांध में एक नाव लिफ्ट ने भी काम करना शुरू कर रखा है, जो कि 3000 टन तक के पानी के जहाज को बांध पार करके आने जाने के लिए काम करती है। ये लिफ्ट बड़ी बड़ी नावों को उठाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार कराती है। बिजली उत्पादन के साथ साथ इस बांध का उद्देश्य यांगजी नदी की शिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और डाउनस्ट्रीम एरिया में बाढ़ की संभावना को कम करना है। थ्री गोर्जेस जैसे विशालकाय बांध को बनाते समय कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। वर्ल्ड बैंक ने भी पर्यावरण और बाढ़ जैसी अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए इस परियोजना में मदद के लिए चीन को फंड देने से इनकार कर दिया था। ये बांध कंक्रीट और स्टील से मिलकर बना है और इसके डिजाइन और निर्माण के लिए एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। बारिश के मौसम के दौरान पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस बांध के गेटों को एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी 1993 में साइट तक सड़क बनाने और बिजली पहुंचाने का काम शुरू हुआ। 1997 में वर्कर्स ने यांगजी नदी का रास्ता डाइवर्ट कर दिया, जिससे निर्माण का पहला स्टेप पूरा हो गया और 2003 में इसके जलाशय में पानी भरना शुरू हो गया। इतने विवादों से घिरा होने के बावजूद भी थ्री गोर्जेस बांध एक लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, जो दुनिया भर के टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है, जो इसके विशाल आकार और प्रभावशाली इंजीनियरिंग डिजाइन को देखने के लिए आते हैं। यहां आने वाले टूरिस्ट जलाशय पर बोट से घूम सकते हैं और बांध के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। थ्री गोर्जेस बांध मानव इंजीनियरिंग कौशल का एक शानदार नमूना है, जो चीन के बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और नेविगेशन के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो और इस बांध के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।